आज के इसमें को सिंप्लीफिकेशन में सरलीकरण से आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में मैं उनको पार्ट पार्ट करके आपको सॉल्व करा रहा हूँ। और ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट टू है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए प्रश्न नंबर पहले में यदि एक्स का मान आपको दिया गया और वाई का मान आपको दिया गया तो आपसे पूछा कि थ्री ब्रैकेट में क्या दिया गया, एक्स प्लस वाई का मान किसके इक्वल होगा, आपसे ये पूछा गया। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। इस प्रश्न को आप कैसे देख करके आंसर बताएंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। वैसे इस प्रश्न को आप देख करके भी आंसर बता सकते हैं लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको विश्वास होगा कि इस प्रश्न को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख करके भी आंसर बता सकते हैं। तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यानी इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कितना, यहाँ पे मैं कितना लिख दूँ, कर्डी में 7 लिख दूँ प्लस कर्डी में 5, यहाँ पे 5 भी लिख सकता हूँ केवल, कोई फर्क नहीं कर्डी में लगा दिया तो। और यहाँ पे मैं कितना लिख दूँ, ये 7 माइनस कर्डी में कितना लिख दूँ, 5। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा, अगर देखिए इसे सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो पहला तरीका ये कि इसका परिमेयकरण करिए, यानी इसका हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे, बट ये साइन क्या रहेगा, अल्टरनेट करके करेंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइम लगेगा। तो और फास्ट करना चाहते हैं, परिमेयकरण करके आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको इसका मान किसके बराबर होगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप और फास्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए करना है कि आपको इन दोनों का क्या करेंगे, आप डिफरेंस करेंगे। अगर आप इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना मिलेगा, आप बताएंगे सर 7 और 5 का अंतर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब इसके बाद करना कि आपको इन दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अब 12 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगी। अब ये चेक करिए इसके बीच में क्या प्लस का साइन है ना, ये प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन आप यहाँ पे लिखेंगे। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करके कड़े में आप लिख देंगे तो 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये देखिए अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, जब इसका परिमेयकरण करके सॉल्व करेंगे तो इसका मान इसके बराबर होगा। तो ये वाला स्टेप मैंने आपको डायरेक्ट सिखा दिया कि एक लाइन में कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे बिना परिमेयकरण करते हुए, ठीक है, यानी बिना परिमेयकरण करते हुए इस प्रश्न को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो जो तरीका मैंने आपको बताया वही तरीका यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। अगर आप इन दोनों का जब डिफरेंस सॉरी इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और इन दोनों का क्या करेंगे, आप योग करेंगे। जब इसका योग करेंगे तो कितना मिलेगा, 4। 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। अब इसके बाद देखिए इसके बीच में प्लस का साइन है तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई आपको। फिर इसके बाद करना कि आपको इन दोनों का आपस में मल्टीपल करना है। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, ये कर्डी में 3, यानी एक्स का मान कितना आ गया, डायरेक्ट इतना आ गया। अब हम लोग वाई वाले को सॉल्व करेंगे तो सेम यही प्रोसेस करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 2 मिलेगा। अब इसके बाद देखिए करना कि आपको यहां से इन दोनों का योग करेंगे तो 4 मिलेगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, आप बताएंगे सर इन दोनों को करना कि आपको योग करना है ना, तो इन दोनों को क्या करेंगे, आप योग यहां से करें तो 2 बार जाएगी। इससे डिवाइड करेंगे फिर इन दोनों का क्या करेंगे, आप मल्टीपल करके आपस में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे प्लस का साइन था तो हम लोग प्लस का साइन लगाए थे, यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। क्लियर है? तो यहां से जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये चीज आपको मिलेगी। देखिए हमसे पूछा कि x प्लस वाई का मान और इसका तिगुना पूछा ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, x प्लस वाई का मान यहाँ पे निकाल रहे हैं। इसका चाहे तो आप बाहर से मल्टीपल कर सकते हैं। देखिए ये इससे कट जाएगा प्लस माइनस और ये कितना मिलेगा, 4।
अब इसका देखिए x प्लस वाई का मान कितना आ गया 4, लेकिन इसका तीन गुना करना है, तो जब इसका तीन गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आप बताएंगे सर सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। इससे बेस्ट तरीका हो नहीं सकता है कि इस प्रश्न को आप बिना परिमेयकरण करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर सेकेंड में ये इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि x इंटू वाई का मान किसके बराबर होगा। अब ये सब आपस में इक्वल है तो हम लोग इसके बराबर क्या मान ले, कोई कांस्टेंट मान ले रहे, यानी k मान रहे हैं, इसके बराबर हम लोग कांस्टेंट k मान ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3k होगा। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां से लिखेंगे x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये इसका मल्टीपल करेंगे 3k, लिख सकते इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको k के बराबर करेंगे, जब इसको k के बराबर करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5k आप लिख सकते हैं। x प्लस वाई बराबर आप कितना लिख सकते हैं, 5k आप लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। आप चाहे तो यहां से x और y का मान आप निकाल सकते। अगर आप x और y का मान निकालना चाहते हैं तो ये y से y कट जाएगा, और यहाँ से इसको क्या करेंगे, y से y कट जाएगा, ये कितना होगा, 2x बराबर 8k होगा। तो 2x से अगर 2 से मैं 8 को डिवाइड करूँगा तो कितनी बार भाग जाएगी, 4 बार जाएगी, तो 4k आपको मिलेगा। अब देखिए अब x का मान आपको पता चल गया है ना, अगर आपको x का मान पता चल गया तो इसमें रख के क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे तो y का मान आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, ये k। और भी तरीके इसे पता करने का, देखिए x का मान पता करना तो इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे 4 मिलेगा, और y का मान पता करना तो इन दोनों को घटा करके घटाएंगे 2 मिलेगा, 2 का आधा करेंगे यानी 2k का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। इस तरह से भी निकाल सकते, कई तरीके हैं। अब यहां से देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इसके बराबर करें, अगर हम लोग इसको क्या करें इसके बराबर कर देंगे तो x इंटू वाई बराबर कितना आ जाएगा, x इंटू वाई बराबर कितना आ जाएगा, आप बताएंगे सर 8k आ जाएगा। जबकि मुझे x और y का मान पता चल गया है तो यहां पे रखेंगे ये 4k हो जाएगा, 4k इंटू k इक्वल टू ये 8k हो जाएगा। तो k से k कट जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां से k बराबर कितना आ गया, 2। अगर k का मान 2 आ गया तो यहाँ पे देखिए x इंटू वाई बराबर है कितना, आप बताएंगे सर 8k है, और k का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अगर आप k के स्थान पे 2 रखेंगे तो 8 दुना कितना हो जाएगा, 16। आप बता सकते कि x इंटू वाई का मान किसके इक्वल होगा, 16 के इक्वल होगा। तो b वाला ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखेंगे तो NTPC में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर थर्ड में ये इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि x का मान कितना होगा, आपसे ये पूछा गया, यानी यहाँ पे जो x है इसका मान आपसे पूछा गया। देखिए मैंने आपको रेशियो चैप्टर में इस तरह के सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, रेशियो चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपको ऐसे मिले तो ये जो बाहर बाहर वाले इनका आपस में मल्टीपल करेंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे। जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/x² हो जाएगा, और इन दोनों का आपस में आप मल्टीपल करिए तो कितना हो जाएगा, ये 25 × 600 कितना हो जाएगा, 25। अगर देखिए मैं इसको पलट दूं, इसको क्या कर दूं, पलट दूं, तो ये x² बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे सर 25 × 625 आएगा। अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूं तो इधर आके क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान 5 आएगा, और ये इसका मान कितना होता है, आप बताएंगे सर 25 होता है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और ये इसका जब मल्टीपल करेंगे तो कितना देगा, 125 देगा। 125 देखिए किसमें दिख रहा है, 125 आप बताएंगे सर बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। ये भी प्रश्न देखिए NTPC में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे तो ये चीजें और ये चीजें दोनों क्या है, सेम है, बट फर्क क्या है, प्लस माइनस का फर्क है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे अगर मैं इसको ए मान लूं तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और ये बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में करके। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक फार्मूला आपको दिख रहा है, कौन सा फार्मूला दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर मैं इसको ध्यान से आपको दिखाऊं तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे कितना, ये ए का स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मान किसके बराबर होता है आप बताएंगे, इसका मान जो होता है वो टू के इक्वल होता है। ठीक है, इसका मान किसके बराबर होता है आप बताएंगे, सर दो के बराबर होता है। जिनको ये फार्मूला पता है वो क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, देख करके आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, दो आएगा। कैसे, देखिए मैं इसको प्रूव करके भी दिखा रहा हूँ कैसे इसके बराबर दो आएगा। देखिए जब इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए का स्क्वायर मिलेगा प्लस बी का स्क्वायर मिलेगा प्लस टू ए बी आपको मिलेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, ए का स्क्वायर मिलेगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी का स्क्वायर आपको मिलेगा, फिर इसके बाद कितना आएगा आप बताएंगे, माइनस टू ए बी आएगा। और नीचे कितना दिया गया, ए का स्क्वायर दिया गया प्लस बी का स्क्वायर दिया गया, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो दो बार ए स्क्वायर मिलेगा, दो बार बी स्क्वायर मिलेगा। और दो कॉमन ले लिया जाए, अगर मैं क्या करूँ दो कॉमन ले लूँ, यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं दो कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बचेगा, और नीचे भी यही चीज़ें आपको मिलेगी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये तो कट जाएंगे तो वो कितना बचेगा, सिर्फ दो बचेगा। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखवाया है। अगर हम लोग क्या मान लें, इसको ए मान ले रहे हैं और इसको हम लोग क्या मान, इसको हम लोग क्या मान लें, बी मान लें, तो इस फार्मूले के रूप में देखिए आपको दिखेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे देखेंगे ए का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी का स्क्वायर, तो सेम इसकी तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जिनको ये फार्मूला पता है उन वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सिर्फ देख करके आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, दो आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर फाइव देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर फाइव में निम्न व्यंजक सरल कीजिए, यानी इसको सॉल्व करके बताना कि इसका मान किसके इक्वल होगा, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13/6 मिलेगा, 13/ कितना हो जाएगा, ये 6 होगा। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये जो क्या है, यहाँ पे जो डिवाइड का सिंबल है, अगर आप इसे मल्टीपल के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, आपको पलटना पड़ेगा। तो उससे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 26 + 26 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9/6 कितना हो गया, 15/5 हो गया, और ये 4 45/26 मिलेगा, और ये प्लस कितना है, ये कितना है, अगर इसको देखेंगे तो ये 15/ कितना मिलेगा आपको, ये 15/13 मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या करें, इस वाले चीज को हम लोग पलट दे रहे हैं, 5/7 है ना, तो अगर ये साइन आप मल्टीपल में लिख करके इसको क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं, तो 14/ कितना मिलेगा आपको, 25 आपको मिलेगा। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 7 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, अगर मैं 5 से इसको डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बचा कितना, 3/13, 3/ कितना बच गया, 13 बचा इतना। अब देखिए यहाँ से एक स्टेप मैं और कर दे रहा हूँ, मैं चाहता तो यहीं पे कर सकता हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, या तो एक स्टेप में बढ़ा ही दे रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 13/ कितना, ये 6, और ये कितना दिया गया है, 45/26 दिया गया। अब यहाँ से देखिए जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, 6/ कितना, ये 3। अब देखिए यहाँ पे 26 है, अगर हम लोग दोनों के हर क्या कर लें, समान कर लेंगे, हर दोनों के समान कर लेंगे तो अंश आपस में डायरेक्ट हम लोग जोड़ सकते हैं। तो इसको 26 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 का मल्टीपल कर दें, जब 2 का मल्टीपल करेंगे तो ये भी अब 26 हो गया, अब ये अंश आपस में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 12 और 45 आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 57 आपको मिलेगा, और बटे कितना रहेगा, ये 26 ही रहेगा। अब यहाँ पे कितना दिया गया, 13/ कितना दिया गया, 6, अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में कटेगा, और 3 से काटेंगे, 3 × 6, और ये कितनी बार में कटेगा, ये 19 बार में कटेगा। अब 19 हो गया और नीचे कितना बचा, अब बताएंगे सर 4 बच गया, कितना बचा, 4 बचा, तो 4 से 19 में डिवाइड करेंगे, 4 × 16 हो गया, और बचा कितना, 3, 3/ कितना हो जाएगा, 4, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं चाहता तो ये वाला स्टेप बचत कर सकता हूँ, क्योंकि ये वाले स्टेप में हम लोगों ने किया क्या, ये वाले स्टेप में हम लोगों ने बस ये किया कि ऊपर नीचे 2 का मल्टीपल करिए ताकि इसको 26 बना लीजिए,
इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये आप यहीं पे काम कर सकते थे ऊपर नीचे मल्टीपल करके, ये कितना हो जाएगा इसका करेंगे और नीचे कितना हो जाता 26 हो जाता, इस तरह से भी कर सकते, ये वाला स्टेप आपका बचत हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, स्टेज टू में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, आप बताएंगे सर सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 में ये इस तरह से दिया गया और इसका मान पूछा किसके इक्वल होगा। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है, अगर ये जो डिवाइड का सिंबल है, अगर आप इसको मल्टीपल के साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये वैल्यू क्या करनी होगी, पलटनी होगी। इसको क्या करेंगे आप, पलट देंगे। जब इसको पलट देंगे तो ये 24 बटे कितना हो जाएगा, ये 24 बटे 5 है, इसको पलटिए। जो डिवाइड का सिंबल है, अगर आप इसे मल्टीपल के साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको पलटना पड़ेगा, तो 15 बटे कितना हो जाएगा, ये 16 हो गया। देखिए 5 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 8 से कटेगा 8 दुना 16, 8 तरीका 24, कितना मिल जाएगा ये 9/2 मिलेगा, कितना मिलेगा 9/2 आपको मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई, तो इसके स्थान पे आप कितना लिख सकते हैं, 8 से कटे इसके स्थान पे आप कितना लिख सकते हैं, आप बताएंगे सर 9/24 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसको भी अगर करना चाहते हैं तो 15 तिया कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा और 9/9 81, इसको भी काटेंगे तो 1/3 आपको मिलेगा, 1/3 आपको मिलेगा, तो ये 1/3 कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहां से कितना बचेगा, ये तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे 7 × 2 = 14, 16 में से 14 घटाएंगे तो 2/ कितना बचेगा, ये 7 बचेगा। इतनी बात आपको क्लियर होगी, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 9/2 आपको मिलेगा, तो 9/2 आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब इसका देखिए कोई कट रहा है तो काटिए आप यहाँ से, अगर देखेंगे यहाँ से काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 × 3 कितना होंगे, 6। अब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 9 मिलेगा, तो 9 × 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 7 कितना हो गया, 49 हो गया। अब तो कुछ बचा नहीं, तो कितना आ जाएगा, 7/2। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 7/2, तो आप बताएंगे सर डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी यानी स्टेज 2 का है या लेवल 2 में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 में ये इस तरह से दिया गया, इसका मान किसके इक्वल होगा आपसे ये पूछा गया, और ये एनटीपीसी में पूछा गया 2017 में। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, आप बताएंगे सर P दोनों में कॉमन है। अगर मैं P कॉमन ले लूंगा दोनों में से तो अंदर क्या बचेगा, आप बताएंगे P हो जाएगा और ये प्लस कितना हो जाएगा, 6 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, और नीचे कितना हो जाएगा, ये दोनों तो सेम है, इनका एलसीएम कितना आएगा, पी प्लस 6 ही आएगा, सेम आएगा कि नहीं, एलसीएम दोनों का ये सेम आएगा, और ये 1/2, ये दोनों सेम है तो आपस में कट जाएगा और यहां से बचेगा कितना, पी बचेगा, तो 1/p, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/p। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 1/p, तो आप बताएंगे पहला वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 9 में ये इस तरह से दिया गया का मान ज्ञात कीजिए, और ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। ये जो ऑफ है इसका मतलब क्या होता है, गुणा, इसके स्थान पे आप क्या करेंगे, गुणे का साइन आप लगा लेंगे ऑफ की जगह, तो 7 × 7 कट जाएगा। अगर देखिए मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 × 3 बार में कटेगा, 2 × कितनी बार में कटेगा, 4 बार, फिर 2 × काटेंगे तो 3 बार में, और ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, तो बचा कितना आप बताएंगे सर, ये 39/ कितना बच गया, 3 × 3, और इसका 2/ आएगा ना, ये 2/ क्या है, 2, तो 2 पलट के कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 से काटेंगे ये 13 बार में कटेगा, 13 × 2 कितना हो गया, 26 और नीचे कितना बच गया, 3, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 में ये 625 की पावर इतना दिया गया, 625 की पावर इतना दिए, और ये जो 625 कितने का स्क्वायर होता है, आप बताएंगे सर 25 का स्क्वायर होता है। ये जो 25 है इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 2, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 की पावर 4, यानी अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो 5 की पावर जो 625 है इसको क्या करेंगे, 5 की पावर 4 आप लिख सकते। तो जब आप 5 की पावर 4 लिखेंगे
पांच की पावर चार लिखेंगे और चार इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीपल, यानी ये जो 0.17 है इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो 17 चौको कितना हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे तो पांच की पावर चार मिलेगा, चार का यहां से जो पावर मिलेगी इस वाले में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीपल करेंगे। तो 8 चौको कितना हो जाएगा, 32 मिलेगा, 8 चौको 32 मिलेगा। अब देखिए इनके आधार समान है, अगर बेस इनके समान है तो पावर आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 100। 100 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 1। इसके बाद ये 00 जो दो अंक पे दशमलव लगाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये कितना बचेगा, 1। तो इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हैं इसका मान कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित को हल कीजिए, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान किसके इक्वल होगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे कि इनको डिवाइड करेंगे, तो आप बताएंगे सर बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट, तो लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट तो है ही नहीं, फिर ऑफ मतलब क्या होता है, का का मतलब गुणा हो जाएगा, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीपल करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो सबसे पहले आप डिवीजन करेंगे कि मल्टीपल करेंगे, आप बताएंगे सर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले डिवीजन करेंगे। तो जब आप 8 में क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब आप 8 में 8 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया। तो 1 का कोई मतलब नहीं, इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, 1 को छोड़ दिया। तो यहां से ऊपर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, और यहाँ पे 1 आ गया तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। जब इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगी, यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये भी प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दी गई वितत भिन्न को सरल करने पर प्राप्त मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है ये मैंने आपको पढ़ाया है, इसकी एक स्पेशल मैंने वीडियो बनाया, आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन बाय सुजीत सॉल्यूशन, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कराए हैं, ट्रिक्स से भी कराया था और एक डिटेल में भी बताया था कि कैसे डिटेल में करेंगे, और ट्रिक्स से दोनों तरीका मैंने आपको बता रखा है। तो फिलहाल यहाँ पे देखेंगे नंबर छोटे छोटे हैं तो हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं या ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही सॉल्व करा दे रहा हूँ। अगर जिनको ट्रिक से सीखना है तो वो वाली वीडियो एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा, यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 = 5 कितना मिलेगा, 5/4 मिलेगा, तो 5 यहीं पर रहने दीजिए, और जो बटे में 4 मिलेगा ना, 4 पलट के कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला गया। इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 × 3 = 15, 15 × 4 कितना होता है, 19, 19 बटा कितना मिलेगा, 5, तो 19 यहीं पर रहेगा और 5 पलट के कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला गया। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, 19 × 2 = 38 हो गया, और इसको 5 ऐड करेंगे तो 43 बटे कितना मिलेगा, आप बताएंगे सर 43/19, और 19 पलट कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 19/43 मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, 19/43, आप बताएंगे सर देखिए पहला वाला ऑप्शन ही मैच करा, और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। ट्रिक से भी देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, और मैंने आपको बता भी दिया कि आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन बाई सुजीत सॉल्यूशन, एक स्पेशल मैंने वीडियो बनाया इस टाइप के क्वेश्चंस का। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में ये इस तरह से दिया गया और मान पूछा किसके बराबर होगा। अब देखिए 777 777 777 777 सभी में दिख रहा है, यहां से आप कॉमन नहीं ले सकते इस तरह से। अब इनके बीच में क्या देखिए ये वाली चीजें नहीं रहती, ठीक है, जैसे ये 1 2 3 इस तरह से नहीं रहता, जैसे सभी में ये 1/5 1/5 रहता, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप डायरेक्ट 777 कॉमन लेंगे तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग है, इसका मल्टीपल करेंगे फिर इसमें ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात कुछ और मिलेगा, यहाँ पे करेंगे इसको ऐड करेंगे तो कुछ और मिलेगा। अगर ये सभी की जगह 1 1 रहता तो हम लोग क्या करते, तब कॉमन डायरेक्ट ले सकते थे।
लेकिन इस तरह से अगर आप जोड़ेंगे, इस तरह से फ्रैक्शन को अगर आप जोड़ेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, ये जो बटे वाले में इनको हम लोग अलग ब्रैकेट में ऐड कर लेंगे, तो इसको इसको ले लिए, तो 777 777 777 कितनी बार मिलेगा आप बताएंगे, सर चार बार मिलेगा, तो चार का इसमें मल्टीपल कर लीजिए या डायरेक्ट इसको चार बार आप ऐड कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अब यहाँ से बचा कितना, अब यहाँ से क्या बच गया आप बताएंगे सर, 1/5 कितना बच गया, 1/5 2/5 3/5 4/5 इनके हर देखिए समान है ना, अगर इनके हर समान है तो एलसीएम कितना आएगा, 5 ही आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 5 ही आएगा, इससे डिवाइड करेंगे कोई फर्क तो होगा नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अंश को आपस में ऐड कर ले रहे हैं, जब इनको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 4 3 7 3 10, आप यहाँ पे 10 आप लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, अब इसका मल्टीपल करके आप उसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, अगर आप इसका मल्टीपल करेंगे तो 7 × 4 कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, 7 × 4 28 2 30 हो गया, और यहाँ से 7 × 4 28 और ये कितना हो गया, इतना। अब इसमें क्या करेंगे, 2 आप जोड़ेंगे तो 2 आप यहाँ से जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए 0 हो गया और ये 1, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, और इसके पहले कितना 3, 31 10, देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, 31 10, आप बताएंगे सर डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखिए प्रश्न नंबर 14 में ये इस तरह से दिया गया, इसका मान पूछा है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फिर हम लोग घटाएंगे, यहां से देखिए हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 1 10 कितना मिलेगा, ये 10/3 मिलेगा, तो 10 यहीं पर रहेगा और 3 पलट के कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 3 पलट के कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे या इस पूरे को जब सॉल्व कर लेंगे तो कितना मिलेगा, ये 10 3 30 और कितना हो जाएगा, 33 33 बटा कितना हो जाएगा, 10, 33/10 का मतलब कितना हो जाएगा, 33/10 का मतलब नीचे 1 0 तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 अंक पे दशमलव हो जाएगा, तो इसके स्थान पे आप डायरेक्ट कितना ले सकते हैं, 3.3 आप ले सकते हैं माइनस, और इससे पहले कितना है, 35.7 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 × 4 = 5, 5/ कितना मिलेगा, 2, तो 5 यहीं पर रहेगा और 2 प्लट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये 5 × 10 2 कितना हो जाएगा, 12 12 12, या ऐसे कर लीजिएगा, 2 तो रहने दीजिए और ये कितना है, 2/5 है, 2/ कितना आ गया, 5 आ गया, 2/5 का मतलब जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 0.4 आपको मिलेगा, 2/5 का मतलब कितना होता है, 0.4 होता है कि नहीं होता है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 बार में ये कटेगा, तो 2 के साथ 0.4 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2.4 आपको मिलेगा। अब देखिए इनको जोड़ करके इसमें से घटाएंगे तो 4 3 7 ये कितना मिलेगा, 5.7 इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ गया, 30 आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन का मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, अब देखिए प्रश्न नंबर 15 में ये इस तरह से दिया गया, अब यहाँ पे डिवाइड डिवाइड का सिंबल दिया गया, पीछे इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे तो प्लस प्लस का सिंबल था, लेकिन यहाँ पे डिवाइड डिवाइड का सिंबल, तो ये जो 1/3 इसको ले सकते क्या, ये जो 1/3 है इसको आप कितना ले सकते, 1/3 लिख सकते, तो इस पूरे के स्थान पर अगर आप 1/3 लिखेंगे तो 3 पलट के कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 1 में 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/15, 1 तो यहीं पर रहेगा और 15 पलट के कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो ये 1/ कितना आ गया, 60, 1/60 आया, तो 1 को आप यहीं पर रहने दीजिए और जो 60 1/60 मिलेगा ही मिलेगा, 1/60 मिलेगा, तो 60 पलट के कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला गया, तो 60 आप यहाँ पर लिखेंगे, यानी इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, तो ये कितना दिया गया, 240 और ये 5 × 6, देखिए 0 से 0 कट गया, 6 × 24, 4/ कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए मैं 2 से 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इनको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, एनटीपीसी में पूछा गया 2017 में। अगला प्रश्न देखा जाए,
प्रश्न नंबर 17 देखा जाए। अब देखिए इन दोनों को जोड़ करके इसको डिवाइड करना है, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ करके डिवाइड करना है। तो ये प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे, इसका भी आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एनटीपीसी में पूछा गया 2016 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 18 में ये एक सीरीज दी गई है, अगर ये एक सीरीज दी गई है तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा, आपसे ये पूछा है। वैसे भी इसे हम लोग दो तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बता रहा हूँ। ये देखिए सबसे पहले इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो कितना लिखा है 1/1 × 2, क्या इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं क्या, 1/1 − 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर मिलेगा, हम लोग सॉल्व करके चेक करते हैं। इन दोनों का एलसीएम दो ही आएगा, इससे डिवाइड करेंगे भाग एक बार दो बार जाएगी, दो का ऊपर मल्टीपल करेंगे और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2, और इसे भी तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना देगा, 1/2 ही तो देगा कि नहीं देगा। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या इसको ऐसे ही ना दीजिए, इसके पहले में एक लगा दो तो कोई फर्क है क्या, अब बताएंगे नहीं कोई फर्क है। यानी इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मेरा मेन मकसद बताने का यह कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यही चीजें हम लोग डायरेक्ट आगे वाले में भी क्या करेंगे, अप्लाई करने जा रहे हैं। तो पहले वाले को लिखेंगे तो 1/1 − 1/2, अब इसको लिखेंगे तो +1/2 − 1/3, ऐसे ही करके क्या करेंगे आप डॉट डॉट करके आप लास्ट वाले को भी लिखेंगे, ठीक है, 1/9 और प्लस लिखेंगे −1/, कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। तो देखिए इसमें ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, तो ये वाला टर्म बचेगा और ये लास्ट वाला टर्म बचेगा, इसका मतलब कितना होता है, 1 होता है, और ये इसको जब घटाएंगे तो 10 × 10 और 9/ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये प्रश्न देखिए अदर एग्जाम में पूछा गया, आरआरबी जेई में पूछा गया, एनटीपीसी का नहीं, बस अब रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।